एयरटेल जियो वोडाफोन के नए प्लान लागू होने के बाद जियो ने भी अपने नए प्लान लागू कर दिए। ये जो प्लान है वो 6 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा जियो के नए प्लान के बारे में, कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, सब कुछ बताएंगे दोस्तों हम आपको इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक्चल पे। जी फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जियो का बेसिक प्लान है जो चालू होता है वो 89 रुपीज होता है, मतलब 98 रुपए का चालू होता है, जिसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 2GB डेटा मिलता है। यहां पे मिनट कितनी मिलेगी ये मेंशन नहीं किया गया है। ये जो प्लान है सिर्फ और सिर्फ आपको जियो की सिम को एक्टिव रखने के लिए, आपने बिल्कुल सही सुना। वही जो अदर कंपनी है वो 49 रुपए में दे रही है, एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन, वहां पे एक्टिव रखने का जो प्लान है वो 49 रुपए का, जबकि जियो में 98 रुपए का दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जियो का 98 रुपए वाला ये रिचार्ज अच्छा नहीं है। जियो के ये अच्छे प्लान है, मैं आपको बता दूं, अगर आप 1.5 GB डेटा पर डे चाहते हैं और वो भी 28 दिनों तक लगातार, तो आपको जो रिचार्ज करवाना पड़ेगा वो 149 रुपए का करवाना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही सुना। और हाँ दोस्तों, मैं आपको चीज और बता दूं यहां पे कि अगर आप जियो टू जियो कॉल करते हैं तो अनलिमिटेड है, लेकिन अगर आप जियो से किसी अदर टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ इसमें आपको 1000 मिनट मिलने वाली है। आपने बिल्कुल सही सुना, 199 रुपए में आपको 1000 मिनट मिलेगी किसी अदर टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करने के लिए, और जो कि चार्ज है ना वो 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से है। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2GB डेटा पर डे चलाते हैं, तो वो रिचार्ज बढ़कर के हो गया 249 रुपए का, जिसमें आपको 2GB डेटा मिलेगा, पर डे मिलेगा और 28 दिनों तक लगातार मिलेगा। यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 मिनट ही मिलने वाले किसी अन्य टेलीकॉम पर कॉल करने के लिए। और दोस्तों जो मैं आपको अगला प्लान बताने वाला हूं जियो का, ये मोस्टली सारे लोग ही करवाते हैं, 3 महीने वाला। इसमें आपको जो अब पैसे पे करने पड़ेंगे वो 555 रुपए में 1.5 GB डेटा मिलेगा, और मैं आपको बता दूं 84 दिनों तक लगातार मिलेगा आपको इसमें। लेकिन जियो टू जियो तो फ्री कर पाएंगे, लेकिन किसी अदर टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं तो यहां पे आपको 3000 मिनट ही मिलने वाली है। और इसी प्लान को हम दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करें तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की जो कीमत है वहां पे 1.5 GB प्लान आपको मिल रहा है वो 598 रुपए में मिल रहा है, तो यहां पे आपको 555 रुपए में देखने को मिल रहा है, मतलब 40-45 रुपए कमी मिल रहा है जियो की तरफ से। और हाँ दोस्तों, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2G वाला प्लान चलाते हैं, तो 2G प्लान की जो कीमत रखी है वो 598 रुपए लगी है, जिसमें आपको 2GB डेटा पर डे मिलेगा, 84 दिनों तक लगातार मिलेगा, इसमें भी आपको सिर्फ 3000 मिनट ही देखने को मिलने वाले किसी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं तो। वही इसकी भी कंपेयर करूं मैं किसी अदर टेलीकॉम कंपनी के साथ, तो वहां पे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो दे रही है वो 698 रुपए में दे रही है, और जियो आपको 598 रुपए में दे रही है, मतलब पूरा 100 रुपए का डिफरेंट आ रहा है। वैसे दोस्तों कुछ प्लान जियो के वास्तविक अच्छे हैं, क्योंकि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन से तो सस्ते ही है, लेकिन अच्छी बात ये नहीं है क्योंकि जियो ने पहले तो सब लोगों को फंसाया कि फ्री में इंटरनेट यूज करो, फ्री में इंटरनेट यूज करो। अब सारे के सारे लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने प्लान महंगे कर दिए, क्योंकि अब तो जाकर के स्विच होने वाले हैं नहीं लोग, क्योंकि उन्होंने 40-50 रुपए सस्ते भी कर दिए अपने प्लान, तो किसी दूसरी कंपनी पर भी नहीं जाएंगे और प्लान भी उन्होंने महंगे कर दिए, तो ये अच्छा नहीं किया वैसे जियो ने मेरे हिसाब से। वैसे आप कौन सी टेलीकॉम कंपनी को यूज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको चीज बता दूं, जो अगली वीडियो आने वाली है चैनल पर वो आपके लिए बहुत अच्छी आने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में नोटिफिकेशन को, बेल को जरूर दबाना। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।